नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। प्रदर्शनी और उत्तर प्रदेश की रसोई विशेष आकर्षण है, इसका हम वर्चुअल अवलोकन भी आपको करवाएंगे। तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ करें। आइए मंत्री जी। मौसम खराब होने के चलते लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए, आपको बता दें कि कार्यक्रम नोएडा में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम था, दौरा था, वो टल गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं। और साथ में ये सीधी तस्वीरें नोएडा से, जहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग तरह की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ब्रज द्वार को आप देख रहे हैं जो कि नोएडा में स्थित है। और आपको ये भी बताते चले कि नोएडा सहित और भी इलाकों में जो कार्यक्रम थे, उन तमाम कार्यक्रमों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले ये कार्यक्रम में खुद शामिल होने का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते यह कार्यक्रम टाल दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि इससे पहले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर खेलों में हिस्सा ले सकते थे, दर्शकों के रूप में हिस्सा ले सकते थे। नोएडा में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। आज और भी अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन साथ में अलग अलग तरह की जो कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उन तमाम संस्कृतियों के तहत वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। और सीधी तस्वीरें जहां पर शंख के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है, शुरुआत की गई है, जिस तरीके की कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और शंख के नाथ में साथ में ये शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में जिस तरीके से कार्यक्रम से पहले शंखनाद किया जाता है, उसी तरीके से शंखनाद किया गया है और कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया है। आपको बताएं कि इस दौरान अलग अलग तरह की जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका उद्घाटन करेंगे और साथ में उसको लेकर तमाम वहां पर बैठे लोगों को संबोधित करेंगे। तो सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की, जहां पर अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं उन तमाम जगहों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा अलग अलग जगहों के जो कार्यक्रम हैं ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम कार्यक्रमों की सीधी तस्वीरें वो देख रहे हैं, लेकिन साथ में शंखनाद कर दिया गया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रिमोट का बटन दबा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन तमाम कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले बीते रोज ही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया था। एक अलग तरह की अवधारणा भी लोगों के मन में होती है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नोएडा जाता है तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है, इस तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में है, खुद राजनेताओं के मन में है कि वो दोबारा से सीएम नहीं बनता है। और इस धारणा को तोड़ने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम को टाल दिया गया। लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लखनऊ से ही मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। टॉय पार्क आप देख रहे हैं, टॉय पार्क में आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं।
पार्क का वहां पर उद्घाटन हो रहा है, अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का लगातार शिलान्यास किया जा रहा है और उद्घाटन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करना भी बाकी है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन लगातार जारी है। जो विभिन्न बड़े बड़े उद्यमी यहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रेटर नोएडा में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, पूरी यात्रा वहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो विभिन्न उद्यमी कार्य कर रहे हैं, जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो TCS है, चाहे सैमसंग है, चाहे केनडालो है, चाहे यूफ्लेक्स है, ऐसे ही ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के भी विभिन्न उद्यमियों के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सभी ने अपने पब्लिक हेल्थ की एक्टिविटीज को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये नोएडा अथॉरिटी का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जहाँ जिससे पूरे यहाँ के गार्बेज कलेक्शन। और इस बीच एक बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से, आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के रूट प्लान पर विवाद देखने को मिल रहा है, किसान संगठन जो है उसको लेकर ये अपनी बात कह रहे हैं। किसानों ने रिंग रोड पर परेड की मांग की है, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस अधिकारियों के साथ में किसानों की बैठक हुई है और ये बैठक अभी भी जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन की तरफ से लगातार जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड की तैयारियां चल रही, उसके साथ में ही आपको बताएं कि इस आंदोलन को तेज करने के लिए ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया गया था। ट्रैक्टर परेड इसको लेकर विवाद देखने को मिला, रूट प्लान को लेकर काफी लंबी चर्चाएं दिल्ली पुलिस के साथ में हुई है। 5 दौर की चर्चा के बाद में आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी ट्रैक्टर परेड की, लेकिन अब रूट प्लान को लेकर विवाद है। आपको बता दें कि कुछ किसान संगठन रूट प्लान पर विवाद कर रहे हैं। उनका मानना है कि 10 बजे के बाद में परेड निकालने का कोई अर्थ नहीं है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी के दिन, उसी तरीके से किसानों को भी इजाजत होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि रिंग रोड की जो मांग थी शुरुआत से ही, जिस तरीके से उस रिंग रोड पर परेड करने की मांग रखी गई है, और इस विवाद के बाद में आला अधिकारी सिंगू बॉर्डर पहुंचे हैं और वो अब किसान नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं किस तरीके से इसका समाधान किया जाए, क्योंकि टकराव की स्थिति ना बने यही कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसके ऊपर कुछ बाहरी ताकतों का भी असर पड़ सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सबसे पहले क्या अपडेट है, विवाद देखने को मिल रहा है रूट प्लान को लेकर भी, विस्तार से बताएं। बिल्कुल मोहित, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में घुसेंगे जो ट्रैक्टर पहुंचेंगे वो दिल्ली में जाएंगे ही जाएंगे और ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे, उसको लेकर के तमाम गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं किसान नेताओं की तरफ से। संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है जितने भी अलग अलग बॉर्डर्स पर जो रूट बनाए गए हैं उसके हिसाब से ट्रैक्टर मार्च जो है वो होगा और एक दूसरे से क्लैश नहीं करेगा, उसको लेकर के कहा गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ अभी भी बातचीत जारी है, उस रूट को लेकर के अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले इजाज़त दे दी गई थी और अभी भी किसानों ने उसके हिसाब से अपनी जो पूरी तैयारियाँ हैं वो कर ली हैं और उसी के हिसाब से ये ट्रैक्टर परेड रहने वाली है। लेकिन अभी भी कुछ रूट्स को लेकर के अभी भी विवाद है, उस पर जो है बातचीत चल रही है, लेकिन जिन जो रूट्स क्लियर हो चुके हैं उनके लिए किसान नेताओं ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं। चाहे वो अगर कोई ट्रैक्टर खराब होता है तो उसको भी किस तरीके से मैनेज करना है, या कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी एम्बुलेंस जगह जगह पर खड़ी होगी और 3,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स जो हैं वो खड़े होंगे। किसी भी तरह की अगर कोई भी शरारती गतिविधि होती है तो उसको कंट्रोल में किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर के, ट्रैक्टर परेड को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो पाकिस्तान से भी चल रहे हैं और अन्य जगहों से भी चल रहे हैं आतंकी गतिविधियों को लेकर के। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, पूरे विश्व की नजर उस दिन सुबह सवेरे जब वो परेड होनी है तो पूरे विश्व की नज़र भारत पर होती है जो परेड यहाँ पर होती है। और इस बार इस परेड में अहम ये है कि ट्रैक्टर परेड भी होने वाली है। हालांकि किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आएंगे, लेकिन हर ट्रैक्टर, सभी ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद घूम करके वापस जाएंगे। और इस ट्रैक्टर परेड में ये जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई शरारत ना हो,
कोई भी ऐसा झंडा नहीं लगाया जाएगा जिस पर भड़काऊ भाषण लिखा होगा या फिर भड़काऊ स्लोगन उस पे लिखा होगा, जिससे माहौल खराब मौजूद है। उनसे भी अगर हम समझने की कोशिश करें वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की वहां पर उत्साह होगा, किस तरीके से रिंग रोड की मांग क्यों की जा रही है, क्या कहेंगे वो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसान मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और इनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, तो किसान मेरे साथ युवा हैं, आपका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, आपकी ड्यूटी क्या लगाई गई है? वॉलंटियर की ड्यूटी है जी। हुण कालू असी तैयारी कर रहे हैं भी जी, अपने ट्रैक्टर अपने परेड होनी है ना, वो भाई जिवें लाउणगे ड्यूटियां उत्थे जावांगे असीं। शरारती अंसर कोई क्या क्या कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए, किस तरीके से आपको कंट्रोल करना सब कुछ? अजय नहीं कुछ दस्या जी, अभी कुछ नहीं बताएंगे, मीटिंग चल रही है, अभी अभी मीटिंग चल रही है उसमें बताया जाएगा। आप भी वॉलंटियर हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं मोहाली से आया हूँ। मोहाली से कितने दिन हो गए हैं? मैं पिछली 25 आया हूँ। ट्रैक्टर परेड को लेकर के कितना उत्साह है? ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आए हैं आप? पूरा जोश है जी, पूरा जोश है। तो किस तरीके से ये ट्रैक्टर परेड जो है वो रहने वाली है? ट्रैक्टर परेड जैसे कहेंगे हमारे जूनियर अधिकारी जैसे कहेंगे हमारे को कंट्रोल करना, उसी से हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल मोहित, अभी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं और उसमें साफ तौर पर इनको दिशा निर्देश दिए जाने हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हितेंद्र स्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ सिंगो बॉर्डर से जुड़े और साथ में उन्होंने वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जो किसान हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से इस पूरे मामले को जो संभालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी बैठक चल रही है, बैठक के बाद में उन्हें निर्देश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन का 61वां दिन है, आज भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अब ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं, ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में लगातार बैठकों का दौर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने इस मामले में अपनी रैली का रूट मैप भी दिल्ली पुलिस को दिया था। किसान नेता पहले राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े थे, लेकिन अब इसकी पहले से ही मनाही कर दी गई थी। इसके बाद किसानों से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने अपनी रूट की जानकारी मांगी थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी गई है। यह ट्रैक्टर परेड दिल्ली की सीमाओं पर वहां से शुरू होंगी जहां पर तीन तरफ से किसान बैठे हुए हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने रूट मैप भी बता दिया है। हालांकि किसान नेता पुलिस के दिए रूट से खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि 12 बजे ट्रैक्टर परेड का कोई मतलब नहीं है, तो वहीं कुछ किसान नेताओं ने अभी भी यही मांग की है कि आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालने की उन्हें मांग उनकी रखी गई है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ट्रैक्टर परेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है और सरहद के पार से साजिश रची जा सकती है। तो हमें जो प्रोग्राम है उसी पे कायम है कि जो संयुक्त मोर्चा है उनकी सभी जुनों ने मिलकर पहले वाला दिल्ली रिंग रोड के ऊपर प्रोग्राम दिया था, हम वही उनके वही मांगने का अनुरोध करेंगे सरकार से। पुलिस की ओर से आया था कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, 10 बजे का टाइम था उनको था कि हम आपको बुलावा देंगे, अभी तक बुलावा उनका नहीं आया। अब कुछ अधिकारी आए तो उनसे भी बातचीत करेंगे, अनुरोध करेंगे। एक आपसे हमारी एक और विनती है कि देखिए 26 का गणराज्य दिवस है, हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक में ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है भी आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड में वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम पीसफुली जाएंगे, प्रोग्राम करने के बाद वापस आएंगे। हमारे भाई हैं, हम उसके किसी प्रोग्राम पे कोई टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रोग्राम करने का हमें अपना है। तो हम दिल्ली पुलिस का रूट मंजूर नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने दिया? जी जी, जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया वो उसमें हमें जो दिल्ली पुलिस ने रूट मैप दिया है उस पर विवाद है, उस पर उन्हें उनका कहना है कि हमें वो मंजूर नहीं है। और इसी बात को लेकर दिल्ली पुलिस की और साथ में किसान नेताओं की बैठक जारी है, क्योंकि किसान नेताओं की बीते रोज जो बैठक हुई थी वो फाइनल बैठक मानी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि अब सारी चीज़ें विस्तार से हो चुकी हैं। आपको बताएं कि एग्रीमेंट पर साइन भी हुए थे, बावजूद इसकी अब स्थिति अभी भी रूट मैप को लेकर विवाद बना हुआ नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता हितेंद्र स्वामी ने किसान नेता कुलदीप से बातचीत की है। कुलदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं।
न्यूज़ की टीम सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में उन किसानों के बीच है जो किसान ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं और सरकार को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीन कानून अगर रद्द नहीं किए गए, जो तीन नए कृषि कानून बनाए गए हैं, तो वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। इसी बीच ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसान नेता कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारी ट्रैक्टर परेड को लेकर के की जा रही है, क्या कुछ रूट उनका रहने वाला है। कुलदीप जी, क्या कुछ रूट रहने वाला है ट्रैक्टर परेड को लेकर के और किस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं जो लोग, जो किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में पहुंच रहे हैं? देखो, जो कल परेड होने जा रही है उसके लिए रोड मैप तय हो चुका है। पूरे पुलिस प्रशासन, जो दिल्ली का, हरियाणा का या यूपी का, बक बक पुलिस प्रशासन से मीटिंगें हो रही हैं लगातार। कम से कम 8-10 मीटिंग हो चुकी है पुलिस प्रशासन के साथ, उसमें सब तय चुका है, रोड मैप बना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, सिंघू का जो रोड मैप है, ये हमारे 32 किसान जथेबंदियों में ग्रुप में पड़ा हुआ है। जो सिंघू का रोड मैप चलेगा, ये यहाँ से चल के करीब करीब इसका 100 किलोमीटर तक एरिया होगा, जिसमें 20-25 KMP भी आएगा। इसमें कम से कम 60 किलोमीटर एरिया ऐसा है जो दिल्ली के बीच में ट्रैक्टर चलेंगे, परेड होगी। उसमें हमारे शहरी इलाका भी है दिल्ली का, उसमें रहायशी मकान हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, होटल्स हैं, और जैसे शहर का एक माहौल होता है वो सब है। जो रिंग रोड है कुछ किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर उसका भी हिस्सा है इसमें। तो बड़े हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमारी कल भी मीटिंग 4 बजे शाम को हुई थी, हमने आगे इसको परेड को ठीक ढंग से चलाने के लिए कम से कम 2000 से 3000 वॉलंटियर तैयार करे हुए हैं, जिसमें हमारे प्लेयर हैं फ्रंट पे वॉलंटियर लगेंगे। इसके लिए कम से कम हमने 3-4 कमेटी बनाई हुई हैं। एक हमारी 10 मेंबरी कमेटी है, उसमें नरेला में ऑफिस है, जो इसका पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं भाई, ये कैसे चलना चाहिए, कैसे इसके प्रबंध हैं। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बीजेपी से मनोज चंडेल हैं, साथ में राजीव मलिक किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। मनोज जी, सबसे पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगा, नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अब ट्रैक्टर परेड होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये सारा कुछ हो रहा है तो इसमें कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ये परेड की परमिशन है दिल्ली पुलिस ने दिया, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार किसानों के हक में है, और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। किसान जो है, जो उनके मन में है, और वो चाहते हैं कि 26 जनवरी पे भारत का झंडा लेके और अपनी परेड निकाले, तो ये तो बड़े प्राउड की बात है, और सरकार ने उसका पूरा समर्थन दिया और इसी कारण उसने परमिशन भी दी है। साहब रुख मैं आपका करना चाहूंगा, विवाद अभी भी बना हुआ है रूट मैप को लेकर, क्या विवाद है आखिरकार, समझ में नहीं आ रहा है लोगों के, क्योंकि कुछ संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि सारी चीजें बन चुकी हैं, रूट मैप तैयार है, लेकिन कुछ नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी तो जिद अभी भी है कि हम तो रिंग रोड पर करेंगे। जी मलिक साहब जी, धन्यवाद मुझे लेने के लिए। मैं यही कहूंगा कि काफी संगठन है इसमें, विभिन्न प्लेटफॉर्म एक साथ जुड़ करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कई 19-20 बातें होती हैं, लेकिन सहमति पहले 2-4-6 दिन पहले तक बिल्कुल सहमति पुलिस के और किसानों के बीच में भी नहीं बन रही थी। अब एक हद तक जो है वो जो रूट है वो फाइनल हो चुका है, शेष रूट भी फाइनल हो जाएगा। देखिए, किसान और जवान दोनों भाई भाई हैं, उसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई असहमति बनेगी। किसान जवानों की, पुलिस की भावना को समझता है और पुलिस किसानों की भावना को समझ रही है, तो इसलिए एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और दोनों मिलकर के ही इस परेड को सफल बनाएंगे, पूरी तरह से सफल होगी, तो इसमें सबकी संयुक्त साझी जिम्मेदारी है। थोड़ा बहुत कहीं कुछ किसान संगठनों का यदि कोई थोड़ा बहुत है मतभेद तो उसे दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मलिक साहब एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार जितने सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो पूछे गए, अब पूछे जाने हैं किसान नेताओं से, लगातार मतभेद अभी भी बना हुआ है, क्या लग रहा है कि रोड मैप नहीं, आपको अब तक फाइनल नहीं हुआ है, आपस में इसमें आप लोगों में मतभेद है, कल को स्थिति खराब होती है किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन सा संगठन जिम्मेदार बनेगा उसके लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, स्थिति खराब नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इतना बड़ा आंदोलन होता है तो कई बार कई तरह के मत आते निकल करके, और लेकिन आखिर में हमको एक ही मत पे पहुंचना होता है सबको। और ये दो महीने से लगातार आप देख भी रहे हैं कि हम सब एक तरह से सब जो साझा विचारों के साथ चल रहे हैं, और एक वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो कोई इशू नहीं है, वो बहुत जल्दी आज दोपहर तक शाम तक वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है मनोज जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, 1,00,000 से ज्यादा किसान पहुंचने के वहां पर दावे किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप संभालेंगे और क्या जो संदेश उनका है उसको सुनेंगे? प्रधानमंत्री मोदी तक वो संदेश पहुंचेगा? तैयार है उस चीज को समझने के लिए सरकार? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल ही मैं शाम का टाइम था, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया हूँ बाय रोड, और बिल्कुल जो फार्मर प्रोटेस्ट है जो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर में लगातार है, उसके बीच में से निकल के आया हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या है या सरकार के और उनके बीच में जो आज तक चीजें हो रही है। कुछ नेता हैं जो इस बात को समझना नहीं चाहते, ये कह सकते हैं कि भारी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि सरकार और किसानों के बीच में ऐसा मतभेद बना रहे। वो दरअसल ऐसे लोग हैं जो तो किसानों को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो एक तरह की ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो किसान आज निकला है उसी का जो बेटा है वो पुलिस में है और वो बॉर्डर पे है। आप देख के चलिए कि बाप भाई वो बॉर्डर पे फार्मर की तरफ से जा रहे हैं और बेटा जो सरकार की तरफ से जा रहा है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि भारत सरकार और भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों की केयर कर रहे हैं, इसीलिए देखिए केयर करना नहीं है, ये है इसकी असली। तो इस तरीके से देखिए कि आज आपने अपने बाप के साथ में लड़ने के लिए बेटे को मजबूर कर दिया है। नहीं नहीं ये इंजाम नहीं है। अगर लड़ने के लिए मजबूर करते तो अब तक आपको भी पता है कि इस तरह से किस तरह की स्थितियां पैदा होती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कंट्रोल किया है दोनों को लड़ने या दोनों का जो एक जिम्मेदारी है, किसान की भी जिम्मेदारी है देश को बनाना और एक पुलिसकर्मी की भी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा करना, दोनों अपने काम में काम प्रॉपर कर रहे हैं और इसका क्रेडिट अगर जाना चाहिए तो भारत देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। वो जो 150 से ज्यादा किसानों की जाने गई हैं उसका क्रेडिट किसको जाएगा सर? प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा? देखिए मैं अपनी सहानुभूति उस परिवार के प्रति और उन सबके प्रति प्रकट करता हूँ, लेकिन ये जो सिचुएशन आज हुई है इस नहीं मनोज जी, आपकी सहानुभूति है बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी की सहानुभूति कहाँ पर है? देश के प्रधानमंत्री है वो, उनकी आखिरकार सहानुभूति कहां पर है? किसानों को लेकर लगातार जब भी कोई क्रेडिट की बात आती है सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, और जब आज हालात ऐसे हैं वो कहां है? देखिए हालात सरकार ने पैदा नहीं किए, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और आपके जो व्यूवर है उनको भी बताना चाहता हूँ कि आज जो हालात हुए हैं उसकी देन क्या है। किसान जो यूनियंस है, किसान जो नेता है, वो MSP से होते हुए कहां तक पहुंचे हैं? सरकार ने तो सपोर्ट किया है, उन्होंने हर बार वार्ता की है, हर बार इतनी सारी वार्ताएं हो चुकी हैं और सरकार ने कहा है कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अभी जो है हमने जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें हमारे कृषि मंत्री जी ने खुद कहा कि ठीक है आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप हमें बता दीजिए, हम करने को तैयार हैं। तो इसमें कहीं दुविधा की स्थिति है ही नहीं, सारा कुछ बिल्कुल पानी की तरह साफ है। सरकार किसानों के प्रति अपनी संवेदना रखती है, सहानुभूति रखती है और वो चाहती है कि देश का जो किसान है वो आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने और बिचौलियों के जाल से निकले बाहर, यही तो सरकार चाहती है। ठीक है सर, जवाब भी ले लेते हैं उन्हीं किसानों से जिनके लिए आपने कानून बनाया, जिनके लिए आप ये बातें कह रहे हैं। मलिक साहब क्या आप जवाब देंगे? सारी बातें आपने सुनी। नहीं अभी मनोज भाई बड़े बड़े चतुराई से सारे मामले से निकल गए, बोले मैं वहां से निकल के गया, लोग बड़ी सुविधाओं में रह रहे हैं, किसानों को कोई समस्या नहीं है। यानी जो पूरे साल का सबसे पीक टाइम होता है ठंड का, दिसंबर और जनवरी, उसमें खुले आसमानों के नीचे टूटे फूटे पोलोथेन और टेंटों के नीचे लोग अपना वहां मतलब रहने के लिए मजबूर हैं, ना उनको खाने की व्यवस्था सही है, ना टॉयलेट की है, ना नहाने की है, ना पूरी, और बारिश भी हुए, ओले भी पड़े, कोहरा भी पड़ा, और उन्हें इसमें कोई समस्या ही नजर नहीं आ रही। और फिर भी उसके बाद जो उन्होंने अपना जैसे तैसे करके अपनी कुछ व्यवस्थाएं अपने सर को ढकने के लिए किए, उसमें भी सारा का सारा श्रेय वो खुद ही दे रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो किसान को नहीं मानने दे रही हैं। मैं भी कह देता हूं ये बात तो कि सरकार मानना चाहती है किसानों की मांगों को, लेकिन सरकार के पीछे भी कुछ बाहरी ताकतें हैं जो सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं कि आपको नहीं मानना है।
मैं भी कह रहा हूँ बाहरी ताकतें सरकार को नहीं मानने दे रही हैं। हमारे कृषि मंत्री जी बार बार जो है हर 5-10 मिनट में वार्ता में किसी से फोन पे बात करते हैं, क्या करते हैं भाई? कौन है वो पीछे से जो आपको पटरी पे नहीं आने दे रहा? मैं भी कह रहा हूँ ना ये बात। तो चलिए जवाब ले लेते हैं मनोज जी। देखिए मैंने अभी मलिक साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है और मैं समझ पा रहा हूँ उनकी स्थिति भी। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, अगर मैं यहाँ खुद उठाई लगा के बैठा हूँ आपके चैनल पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसानी या फार्मिंग नहीं जानता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें पंजाब के किसानों की या हरियाणा के किसानों की या पूरे देश में, मेरा लगभग हर कंट्री में घूमना है, हर राज्य में देश के जाना होता है। मैं जब देखता हूं तो क्या आप कंपेयर करेंगे कि यूपी का जो किसान है या बिहार का जो किसान है, झारखंड का जो किसान है, जो गरीब किसान है, क्या उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए? अगर जो छोटा किसान है जिसके पास 1 बीघा या 2 बीघा जमीन है, छोटा टुकड़ा आता है, उसके पास ना पानी की व्यवस्था है ना बीज की व्यवस्था है, अगर वो मजबूर है कि बड़े किसानों के खेतों में जाके काम करने के लिए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर इस बिल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने उन छोटे किसानों को भी सशक्त करने का प्रयास किया है तो इसमें गलती कहाँ की है? और सरकार ने बार बार कहा है कि आपकी जमीन, आप किसानों की जो जमीन है वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, उल्टा उनको अगर कोई सुविधाएं मिल रही है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? अपनी मर्जी से वो बेच सकते हैं, अपनी मर्जी से वो मार्केट ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसानों को क्या चीज समझनी चाहिए। और क्योंकि अगर जो चीज समझ भी नहीं आ रही है तो बार बार प्रयास किया जा रहा है, सरकार बैठ रही है, देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किस चीज की गारंटी फार्मर्स चाहते हैं। या फार्मर्स को एक्चुअली क्या है, फार्मर्स को कन्वेंस है, लेकिन जो लोग उनको समझने देना नहीं चाहते हैं उनके बारे में आपके चैनल को भी प्रयास करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि ये लोग क्या है। मनोज जी सभी बातों का आप जवाब दीजिए, साथ में लगातार वो लगातार इस बात को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जोर इस बात पर है उनका। देखिए मलिक साहब, जी मलिक साहब, जी मैं बोलूं जी, हाँ मेरा कहना ये है, मैंने अभी देखा कई बार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो इस तरह बोलते हैं कि भाई ये तो देखो मुट्ठी भर किसान है, ये हरियाणा पंजाब के किसान है, इनको तो इतनी सब्सिडी मिल जाती है, इनकी हालत तो थोड़ी ठीक है, दूसरे वाले किसानों को नहीं मिल पाता। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी पॉलिसी, बिहार का जो किसान है जिसकी सालाना आय 30,000 रुपए और मतलब पंजाब के किसान की सालाना आय 2 लाख रुपए, हरियाणा की 1,90,000 रुपए, अब आपकी जो प्राथमिकता है वो होनी तो ये चाहिए कि बिहार उड़ीसा के किसान को आप कम से कम पंजाब और हरियाणा जैसा बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपने प्राथमिकता ये रख लिया कि पंजाब और हरियाणा के किसान को आप बिहार और उड़ीसा जैसा बनाने पर तुले हुए हो। आपकी पॉलिसी इधर ले जाने की, उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि इन कानूनों से वो बेहतर होंगे, मजबूत होंगे, उनका विकास होगा। कुछ नहीं होंगे, इससे केवल उद्योगपति बेहतर होंगे, किसान को रत्ती भर कोई बेहतरी नहीं मिलने वाली। और वही ताकतें सरकार को पटरी पे नहीं आने देना चाहती बातचीत के लिए, बिल्कुल मतलब जो कोई ताकतें हैं, जब ये आप बताइए गोदाम पहले बनेंगे कानून बाद में बनेंगे, तो आप बताइए किसके लिए काम कर रहे हैं? किसान पे ठीक रखा है को फोड़ रहे हो भाई, फिर आप झूठा। ठीक है मनोज जी, देखिए देखिए बड़ा अच्छा इसमें आप चीज बड़ी क्लियर हुई है, अगर आपने भी ध्यान से सुना है तो इसको रिवर्ट करके जरूर देखें कि उनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा का किसान अलग है, झारखंड का, उड़ीसा का, बिहार का किसान अलग है। यही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लोग कहते हैं, आपके मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लोग बोलते हैं, वो चाहते ही नहीं मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, आप ही लोग बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सबको एक मानता हूँ, वो भी सशक्त बने। ये इन्होंने बड़ा क्लियर शब्दों में, आप इसको रिवर्ट करके सुनिए, इन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि पंजाब और हरियाणा, मैंने क्लियर नहीं कहा, मनोज जी वो जो बात कह रहे हैं उसका अर्थ भी समझिए, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब का हरियाणा का जो किसान है कम से कम चलिए 1-2 लाख रुपए साल का कमा पा रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों की हालत उनसे भी कहीं गुजरी है। आज इन कानूनों की वजह से जो राज्यों के किसान थोड़ा बहुत ठीक तरीके से गुजारा कर रहे हैं उनकी हालत भी खराब हो जाएगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, यदि किसान हरियाणा के किसान को और पंजाब के किसान को एमएसपी मिलती है तो पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी को गारंटी कानून बना के सुनिश्चित क्यों नहीं करते? उनकी तो आप सुनिश्चित कर नहीं रहे हो, पंजाब हरियाणा की छीनने पे खड़े हो गए। और ये कौन सा, यानी एक रोटी एक आदमी को मिलती है, दूसरे को एक रोटी दो, आप दूसरे को तो दे नहीं पा रहे, पहले वाले की आधी छीन के दूसरे को देना चाह रहे हो, जबकि रोटी की 4 रोटी की भूख दोनों को है। चलिए ठीक है मनोज जी से जवाब जी।
जी 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 देखिए मलिक साहब का बार बार जितना भी मैं अब तक सुन रहा हूँ उनका ध्यान पूरे सिर्फ हरियाणा पंजाब पे आके अटक रहा है। हमारे देश के मेरा नहीं है, आप लोगों का है। एमएसपी पर, एमएसपी को लेकर दो राज्यों में कम से कम एमएसपी पर कुछ खरीदारी हो रही है, बाकी राज्यों में तो हालत और भी ज्यादा खराब है। एमएसपी को लेकर हमारे देश में एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाइए मनोज जी। यदि आप देश के अन्नदाता के साथ इंसाफ करना चाहते तो पूरे देश के लिए गारंटी कानून बनाओ एमएसपी पर, एमएसपी का, तब कुछ भला होगा। ऐसे नहीं कि एक को तो दे रहे दूसरे का छीनने पे खड़े हो गए आप। के लिए सपोर्ट किया है और अगर मुझे नहीं पता मलिक साहब ने कितना वो बिल को पढ़ा है, लेकिन जितना हम उसको समझ पाए और समझाने का प्रयास कर रहे हैं उससे स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो किसानों के लिए डेथ वारंट है, फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा। अब तक जहां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है वहां पर किसानी और किसान दोनों तबाह हुए हैं। कहीं कोई नहीं हुआ, बिल्कुल भी कहीं कोई सरसब्ज नहीं हुआ। इसलिए एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ पूरे देश के अंदर। एमएसपी से नीचे खरीद जो है वो कानूनी अपराध माना जाए और लूट की धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो एमएसपी पे। हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम एमआरपी नहीं मांग रहे, हम लाभकारी नहीं मांग रहे, हम न्यूनतम मांग रहे। उसको गारंटी करो ना मनोज जी। मनोज जी क्यों नहीं आते हो? आपने बात उनकी सुन ली, लेकिन साथ में सर सवाल है एक मेरा भी होगा, इतनी बैठ के हुई, इतना सब कुछ हुआ, बावजूद इसके आप उन नेताओं को नहीं समझा पाए जो वहां पर पहुंच रहे हैं, लाखों करोड़ों किसानों को कैसे समझाएंगे? हाँ बहुत अच्छी चीज है। देखिए करोड़ों जो किसान है वो भी इस देश का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। और जो नेता वहां गए हैं, सरकार ने तो बार बार फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की है। सरकार आज भी जो है किसानों के सामने नतमस्तक है, वो आज भी उनको बुला के कह रही है कि ठीक है आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप हमें बताइए, अमेंडमेंट करेंगे और जो चीज अच्छी होगी उसको रखेंगे, जो गलत होगी उसको निकाल देंगे। सरकार ने तो आजकल यही कहा है। अब जब लास्ट में आके सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को रख कमेटी बनाई, कमेटी को भी कह दिया गया कि हमें इस पे विश्वास नहीं है। आपको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आपको देश के नेताओं। देखिए मनोज जी बार बार बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बातें कही जाती है कि कमेटी पे विश्वास नहीं है तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। पहली बात तो किसान सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कमेटी का अपने अलग रिकॉर्ड रहेगा। उस पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो किस लिए उठाए जा रहे हैं वो भी आपको मालूम होगा। चार लोग शामिल थे, चारों ने उसकी तारीफ की कानूनों की। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों की बात सुनेंगे? मलिक साहब मैं ये कहना चाहता हूं, मनोज जी थोड़ा देर मेरी बात सुनेंगे। देखिए हम पे तो इन्होंने आरोप लगा दिया कि इनको कोई मानने नहीं दे रहा है जी, है नहीं? हो सकता है हमारे पीछे विपक्ष बता रहे हो, ये कौन बता रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो अकाली दल हरसिमरत कौर जी हटी इनसे, वो इनके साथ ही थी। इनसे बीरेंद्र चौधरी जी हरियाणा में बीजेपी के रहे, वो कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ। हनुमान बेनीवाल जी जो है वो इनसे इनका एनडीए छोड़ करके चले गए इसी मुद्दे पर के मैं किसानों के साथ हूँ। हरियाणा में जेजेपी किशन चौटाला, अजय चौटाला कई बार कह चुके हैं, चौटाला जी पूरा दबाव बनाए हुए हैं किसानों की बातों को सुना जाए। और तुम्हारा जो बिहार में केसी त्यागी है जेडीयू के, कह चुके हैं वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी कानून बने। आरएसएस का जो भारतीय किसान संघ जो संगठन है उसके महासचिव बद्री नारायण चौधरी जी जो है वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी कानून बने। बीजेपी का जो किसान मोर्चा है उसके जो उसके जो उपाध्यक्ष है नरेश सिरोही जी वो कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी कानून। ये तो सब इन्हीं के लोग है, ये तो कहीं विपक्ष के लोग नहीं है भाई। तो एमएसपी पे गारंटी कानून बनवाओ मनोज जी, यदि किसान का कुछ भला करना है। इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा, ये बंदर वाली उछल कूद बंद करो। और यदि आपको सरकार चलानी है तो किसान की समस्या की जड़ को समझो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जवाब ले लेते हैं मनोज जी, आखिरी कॉमेंट के रूप में आपके पास में आ रहा हूँ। सर की बातों का जवाब भी लेकिन साथ में अपील भी, किसानों से किस तरीके से अपील करेंगे क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। मैं पहले आपका धन्यवाद कि आपने लास्ट कमेंट मेरा लिया है। और जो ओवरऑल कंक्लूजन है जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, जो बातें हमें बोलनी चाहिए वो हमारे तौर पे मलिक साहब ने तीन चार चीजें बड़ी क्लियर स्पष्ट की है। नंबर एक कि देश के जो दूसरे बाकी राज्यों के किसान है, गरीब किसान है, उनको भी भारत की सरकार सशक्त करना चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, आज जो कल वाली परेड की हमने बात की है, कल बहुत ही पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और मुझे पता है कि जो देश का जो किसान है उनके अंदर देश के प्रति एक जो प्यार है और वो दिखता है। आज देखिए कि झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके ट्रैक्टर पे या जो भी उनके पास वाहन है उसको लेके वो निकल रहे हैं, ये मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा और एक एकता दिखेगी कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है,
सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसे आंदोलन भी तभी सक्सेस होते हैं जब सरकार के मन में होता है कि नहीं हमारे लोग हैं और हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए। मनोज जी, कम से कम आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों को भी सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन में, लेकिन मलिक साहब आखिरी कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा, खासकर उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जो बहुत जोश में है ट्रैक्टर परेड को लेकर, उनके लिए एक आखिरी संदेश सर, आखिरी कमेंट के रूप में। नहीं, मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो बिल्कुल इसमें अनुशासन, और हमारे आंदोलन की जो ताकत है वो अनुशासन और शांति है, और किसानों से मेरी अपील है कि वो बनाए रखें और असामाजिक तत्व कोई ना घुस पाए इसमें, पूरी निगाह रखें अपने आसपास के 4-5 लोगों पे, हर आदमी निगाह रखे, उसकी गतिविधियों पे निगाह रखे, और यदि अननोन आदमी कोई है तो उसका फोटो भी अपने उससे कैमरे से खींचे, कहीं वो कोई शरारती है, और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, दोनों भाई मिलकर के इसको पूरा सफल बनाएंगे और ये किसान परेड देश के लिए। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख वहां करते हैं। माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शिष्यंद शर्मा जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राज्य उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, गन्ना अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी, पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्री आलोक सिंह जी, यमुना अथॉरिटी के सीओ श्री अरुण वीर सिंह जी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दिवस के चतुर्थ संस्करण मैं आज मुझे प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जनपद से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे स्वयं ही वहां पर उपस्थित होना था और मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि देश के अंदर लोकप्रिय योजना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 2018 में प्रारंभ की थी, एक जनपद एक उत्पाद की योजना, आज देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन रही है और इसकी जब प्रदर्शनी नोएडा हाट में प्रारंभ हो रही है तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं स्वयं भी वहां पर उपस्थित होकर के न केवल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करूं, बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के कार्यों का अवलोकन करने का भी मुझे एक अवसर वहां प्राप्त होता। लेकिन विपरीत मौसम की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे मार्ग में ब्रेकर का काम किया है और मुझे वर्चुअली ही आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको सभी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का
नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और हृदय से बधाई देता हूं। साथ साथ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर अलग अलग तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया है। रुख करते हैं अगली खबरों का। आपको बताएं कि भारत चीन की सेना के बीच में एलएसी पर एक बार फिर से झड़प होने की खबर सामने आई है। 3 दिन पहले उत्तरी सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प हो गई थी। इस झड़प में चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अभी इस खबर पर सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार है। कल ही भारत और चीन के बीच कोर कमांडर की 17 घंटे की मैराथन की बैठक हुई थी। ये बैठक कल सुबह 9:30 बजे शुरू होकर देर रात 2:30 बजे खत्म हुई। चीन के कहने पर यह बैठक बुलाई गई थी। भारत सेना की तरफ से लेह के स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन बातचीत कर रहे थे। चीन के बीएमपी हट मोल्डो में हुई इस बैठक में क्या कुछ निकला यह भी साफ नहीं है, लेकिन इस बैठक में सीमा पर तनाव घटाने की और सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जा रही है। लेकिन साथ में अब ये भी, क्योंकि लगातार खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से दोनों के बीच में समझौता हुआ था उसके समझौतों के तोड़ते हुए चीन ने अपनी वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, जिसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। लेकिन उसके बीच में एक बार फिर से भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की कुछ खबरें सामने आई हैं। जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज ही एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा था कि एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये तमाम बातें कही थी। लेकिन एक दिन बाद ही इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि एक बार फिर से एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ में भारतीय सैनिकों की झड़प हुई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 30 से 40 चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले सर कमेंट इस बात पर लेना चाहूंगा कि जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, एक बार फिर से झड़प की खबरें हैं, 30 से 40 सैनिक चीन के घायल हुए ऐसी जानकारी आ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर आप? नमस्कार मोहित जी, ऐसा है, ये जो चीन का मसला है हिंदुस्तान के साथ में, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज तक क्या है कि हम चीन को एक ऐसे मुल्क की तरफ देख रहे थे कि जो भाईचारा और जो दूसरे मुल्कों की जो राइट्स हैं उसको उसके हिसाब से चलता है और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलता है, पर चीन ऐसा मुल्क नहीं है। ये अब सामने बिल्कुल आ गया है, क्योंकि 62 के बाद में उसके बाद में 2-3 झड़पें और हुई जिसके अंदर चीन को मुक्की खानी पड़ी, उसके बाद चीन चुप होकर बैठ गया। पर अब जब से जिनपिंग ने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए वहां का प्रेसिडेंट बना लिया है और साथ में चेयरमैन बना के साथ में जितना जो आर्मी और जो इनके आर्म फोर्सेस हैं उनको सीसीपी के अधीन कर लिया है और अपने आप को सीसीपी का चेयरमैन बना दिया है, तो जिनपिंग वही माओ की जो पॉलिसी थी, जो वो चाहता था कि एक जो हमारा जो चीन है वो मिडिल किंगडम जिस तरीके से था उस तरीके से वापस बने, क्योंकि वो हमेशा चीन हिस्टोरिकली ये सोचता आया है और कहता आया है कि देखिए जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमें जब भी चीन को हराने के बाद में ये जितनी एरिया था उसका जो बाकी जो विक्टर फोर्सेस थे, चाहे जापानी से, चाहे वो वियतनामी से, चाहे वो इंग्लिश से, उन्होंने सारा का सारा इलाका जो है उस हिसाब से जो है वो उसको क्या कहते हैं बांट के
अलग अलग राज्य में, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ हुई है, हम वही लेंगे जो हमारा पहला था। और उसमें उसने बड़ा क्लियर कर दिया कि तिब्बत के अलावा, तिब्बत को माओ ने कहा था ये हमारा पाम ऑफ दी हैंड है, और फिंगर जो है हमारी फिंगर्स हैं लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश जिसको निफा कहते थे, तो ये फिंगर्स हैं हमारी। अब पाम ऑफ दी हैंड तो माओ ने ले लिया, अब रह गई है फिंगर्स की बारी। अब आप देखिए हिंदुस्तान के अलावा चीन नेपाल के अंदर भी इसी हिसाब से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है जी। सिक्किम के अंदर तो उधर कर ही रहा है, डोकलम क्राइसिस के बाद में फिर उसने कोशिश की है और वहां पे उसने एक तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर सिक्किम के अंदर घुस गया है। तो चीन की जो ये मंशा है और जो आदत है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है हमारे देश को जी। तो हम 62 से जो है इसी हिसाब से इसी हम गलत फहमी में रहे हैं। हमने ट्रीटीज भी कर ली, हमने 96 में भी की, 99 में भी की ट्रीटीज कर ली उनके साथ में, पर ट्रीटी करने के बावजूद हमने जो एक्चुअल जो हमारी ग्राउंड पोजीशन है जो बॉर्डर की वो डिफाइन नहीं कराई। ठीक है सर, तो मैं बीजेपी का भी इस पर कमेंट लेता हूं। वसीम राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम राजा जी स्वागत है आपका ये एनबी न्यूज पर। वसीम साहब कमेंट इस बात पर लेना चाहूंगा कि एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, वहां पर झड़प हुई है, भारतीय सैनिकों ने उनको वहां से भगा दिया। हालांकि इस दौरान 30 से 40 जो जवान है चीनी सेना के घायल बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मोहित जी, सबसे पहले तो आज जो हमारी सेना है सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं कि आज जो हमारी सेना है इतनी मजबूत है, देश की फौज इतनी मजबूत है कि चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, देश के ऊपर कोई भी अगर अपनी आंख रखेगा तो हमारी सेना जो है बहुत सक्षम है उसको खदेड़ने के लिए जी। तो ऐसा नहीं है, पहले वाली सरकार नहीं है, सरकार भी मजबूत है और हमारी फौज भी मजबूत है। फौज ताकत के साथ, फौज के पास पूरी पावर है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पहले भी घुसपैठ होती थी, उसमें ये खबरें आती थी कि हमारे सैनिक ज्यादातर शहीद हो जाते थे, जो चीन हमारे जगहों पे कब्जे कर लेते थे, चीन हमारे LOC के अंदर आके हमारे अपने हिंदुस्तान के अंदर कई गांवों को कब्जा करने की खबरें आती थी। लेकिन ये एक बहुत ही देश के लिए गौरव करने वाली बात होती है कि जब कोई चीन का सैनिक या चीन का कोई भी हमारा LOC पार करने का प्रयास करता है तो हमारी फौज जो है उसे खदेड़ने में कामयाब होती है। लेकिन एक बात बहुत दुख लगता है, जब देश की एकता और अखंडता की बात हो तो देश का विपक्ष जो है उस पर सवाल करता है। देश के विपक्ष को, देश के सेना को मुबारकबाद देने के उनका हौसला बढ़ाने के बजाय, लेकिन सर एक बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, गौर साहब भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीन की हिमाकत आखिरकार किस तरीके से बढ़ रही है? लगातार कभी खबरें ये आती हैं कि गांव बसा लिया गया है अरुणाचल प्रदेश में, कभी खबरें ये आती हैं कि चाइनीज सैनिक एक बार फिर से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आखिरकार इतनी हिम्मत कर रहा है वो? देखिए ऐसा नहीं है कि अरुणाचल के किसी गांव में उससे कब्जा किया, कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा लगातार चाइना आज से आजादी के बाद ही 1962 में भी हमने देखा कि चाइना ने उस वक्त से ही चाइना लगातार भारत के अलग अलग करता रहा है और इससे पहले की सरकारों में उसे किसने कब्जा भी किया। लेकिन ये पहली सरकार है जब हम किसी अपने देश के LOC के अंदर चाइना के फौजियों को घुसने नहीं देते और उनको खदेड़ के भगाते हैं, तो ये कोई नई हरकत नहीं है चाइना की। आज चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, देश के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा हम उसको खदेड़ने की हिम्मत रखते हैं। हमारे फौजियों के पास इतना साहस है कि चीन के सैनिकों को खदेड़ने में हम कामयाब है। चलिए ठीक है, गौर साहब से मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। सर थोड़ा ये भी बताइए कि आखिरकार लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, कभी कि ये कहा जाता है कि लगातार सैनिकों के द्वारा घुसने की कोशिश की जा रही है भारतीय सीमा में, कभी ऐसी खबरें आती है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव डेवलप कर दिया गया है, इस तरह की तमाम तरह के दावे भी सामने आते हैं, आप क्या कहेंगे सर, क्या वजह इसके पीछे नजर आती है? मोदी, जैसे मैं कह रहा था आपको, समझाने की कोशिश कर रहा था जी, कि चीन की जो पॉलिसी है जी वो वही माओ की पॉलिसी अब जी पिंग ने इख्तियार कर ली है, जिसके अंदर पाम ऑफ दी हैंड वाली बात थी। जो पाम है वो तिब्बत है, तिब्बत इन्होंने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, अब इनकी फिंगर जो है, जो पाम ऑफ दी हैंड की उंगलियां जो है, उंगलियां हैं, एक है लद्दाख, एक है नेपाल,
एक है सिक्किम, भूटान और नीफा, अरुणाचल प्रदेश हमारा। देखिए ये जो इलाका है हिंदुस्तान के साथ आज तक चीन ने ऑन ग्राउंड जो है वो डिफाइन नहीं किया कि कहां पे हमारी हद है। जो जब भी वो कहता है उसने ट्रीटी कर ली, संधि कर ली, 96 में की, 99 में की, पर ऑन ग्राउंड नहीं मार्क किया कि कहां पे हद है हमारी। चीन कहता है, चीन की तरफ से वो कहता है जी देखिए मेरी हद जो है वो वहां तक है। हम अपनी तरफ से सोचते नहीं जी हमारी हद जो है वो वहां तक है। तो जब तक हमारी हद ही नहीं एक डीमार्केट होगी आपस के अंदर तो ये तो चलती रहेगी और चीन उसका फायदा उठा रहा है। अब आप देखिए, आप कहते हैं जो गांव बसा लिया है अरुणाचल में जी, वो 1959 में वो चीन के पास में 1959 से वो जगह है जी। अब जो जगह उसके पास ऑलरेडी थी उसके ऊपर ही गांव बसाया, उसने नहीं कोई हिंदुस्तान के अंदर घुस के नहीं जगह बनाई। ये बहुत समझने की बात है। ये बार बार ये मीडिया उठा लेता है इसको जी चीन ने गांव बसा लिया। अरे भाई वो जो गांव है, वो जो जगह है, वो हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं, वो चीन के कंट्रोल में थी। तो अगर उसने अपने अपने इलाके में गांव बनाया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, नंबर एक। नंबर दो, अब ये जो बार बार घुसपैठ कर रहा है, बार बार जैसे लद्दाख के अंदर किया इसने, अभी इधर ये सिक्किम में किया है, नकुला में जो आज ये घटना हुई है, ये बार बार हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये टेस्ट करता रहता है कि टेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैं कितना अंदर जा सकता हूं और मेरे पे क्या एक्शन होगा। आप देखिए नेपाल के अंदर जो नेपाल जिसकी गवर्नमेंट इसने बनाई, ओली की गवर्नमेंट चीन ने बनाई, उसके अंदर जाके वो घुस के उधर अंदर नेपाल के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर उन्होंने 3 गांव बसा लिए और वो कहते हैं अभी हमारा और भी इलाका है नेपाल के अंदर। तो ये जो मंशा है चीन की, इसी हिसाब से साउथ चाइना सी के अंदर देख लीजिए, बिल्कुल साउथ चाइना सी के अंदर सारी की सारी उसने कहा ये सारा इलाका ही मेरा है जी। इसमें ना वियतनाम का कोई इसमें है, ना जापान का है, ना कुछ है। इसलिए आप देखिए अब जो अमेरिका हमारा जो क्वाड बना वो सारा का सारा उसमें घुस। चीन जो है एक ऐसा एक्सप्रेशनिस्ट नेशन है जो कहीं नहीं रुकने वाला, और वो ये जब तक अपनी वो, क्योंकि वो अब ताकतवर बन गया है इकोनॉमिक की वजह से, क्योंकि सारे देशों ने जब उसको इकोनॉमिक जायंट बना दिया, अब वो अपने हिसाब से लगा कहता है मैं तो अब सबसे स्ट्रांग हूं क्योंकि मेरा जो मॉनेटरी वाइज हूं मैं सबसे स्ट्रांग हूं, इकोनॉमिक वाइज मैं सबसे स्ट्रांग हूं। और अब आप देखिए हाल ही में उसने अपना यान उसको डॉलर के मुकाबले खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो कहता है जी हम यान में ट्रेडिंग करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है ये समझने की बात है। बाकी रह गई बात हिंदुस्तान की फौज जो है, आपको पता है हमारा शौर्य जो है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे अफसर जो हैं, हमारे जो जवान हैं, वो धरती माँ के लिए पूरी कुर्बानी देने को तैयार है। बिल्कुल। और सर, ये बिल्कुल। आपने देखा और करगिल में भी देखा, लद्दाख में भी देखा, कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। पर ये है समझने की बात है कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या हुआ है आज तक। बिल्कुल सर, उन तमाम चीजों को, उन पहलुओं को भी समझने की हमें जरूरत है, देश के लोगों को भी समझने की जरूरत है, सरकार को भी। लेकिन राजा साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा, और सवाल ये होगा कि तरह की जो लगातार इस तरह की हिमाकतें की जा रही है, क्या सरकार के पास इसका कोई इलाज है? इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है, एक तरफ चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ इस तरह की कोशिश चीन की तरफ से होती है। देखिए मोहित जी, जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ के एक बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि चाइना जो है समय समय पे ये टेस्ट करने का प्रयास करता है कि हम किसी तरीके से हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुसे, जैसा कि जैसे कि कारनामे वो पहले की सरकारों में करती रही है जी। लेकिन आज एक मजबूत सरकार है और आज जो हमारे देश के फौजी है, देश के जवान है, वो पूरे पावर में है और देश के रक्षा मंत्री ने और देश की सरकार ने उन्हें पूरी पावर दे रखी है कि अगर कोई भी हमारे एलओसी या एलएसी के अंदर आने का प्रयास करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे। और हमारे फौजी जो है, फौज के जवान जो है, हमारे वीर सपूत जो है, ये सारे लोग जो है जबरदस्त जवाब दे रहे हैं और चाइना को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों की कामयाबी है, हमारे देश की कामयाबी है, देश के सरकार की कामयाबी है। और सरकार अपने तौर पे लगातार हर तरह की वार्ता कर रही है, हर तरह की बात आ रही है, लेकिन चाइना चाहे वार्ता में हो, चाहे ये एलओसी पे हो या एलएसी पे हो, कहीं पर भी उनको मजबूती नहीं मिलती दिख रही है और चाइना हर तरह से मुंह की खा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो जो लगातार चीन का जो ये प्रयास है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि मनोबल बढ़ गया चीन का,
इन तमाम चीजों की मैं बात कर रहा हूँ सर। जी 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 मोहित जी, देखिए ये पिछले कुछ सालों की बात नहीं करेंगे, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि देश की आजादी के बाद से ही लगातार जितनी सरकारें रही हैं लगातार चीन का यही प्रयास रहा है, और चीन ने हमेशा प्रयास किया है कि हम हिंदुस्तान के कुछ एक अंग, कुछ एक गांवों पे, कुछ एक जगहों पे कब्जा करने का प्रयास किया, और इससे पहले की सरकारों में वो कहीं ना कहीं कुछ एक एरिया में कामयाब भी हुए। वही कारनामा ये फिर अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन आप जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, और आज के डेट में, आज के समय में कोई भी उनकी हरकत जो है कामयाब नहीं होती, वो हर जगह नाकामयाब होते हैं और मुंह की खाते हैं। ठीक है गौर साहब, रुख आपका करना चाहूंगा, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं सर, और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या लगता है कि आज भारत के पास क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से इसका समाधान करना चाहिए ताकि चीन की इस तरह की जो हिमाकतें हैं वो खत्म हो। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो फौज की, जो आर्म फोर्सेस की जरूरतें हैं जी, क्योंकि अभी तक पिछले सालों से आपने देखा हर बारी बजट में कटौती होती रही है, बिल्कुल, और जो हमारी चीजें हैं फौज की, जो हमारा जो एक मैं कहूंगा स्टॉक पाइलिंग होती है और हमारा जो वॉर स्टोर्स होते हैं, सारा कुछ जो है ओवरऑल जो है उसके अंदर कमी आ गई है बहुत जी। एक तो हमें जो है हमारा बजट जो है आर्म फोर्सेस के लिए, डिफेंस के लिए, उसको बढ़ाना पड़ेगा। चीन जो है आप देखिए, चीन जो है तकरीबन अपना 18% जो है अपनी इकोनॉमी का वो उसके ऊपर खर्चता है, और उनकी है इकोनॉमी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम तो अभी 1 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचे, तो हमें अब उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चीन उसका फायदा ले रहा है, नंबर एक। नंबर दो, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को जो है बार बार ये जो चीज है सारे मुल्कों के अंदर उनके हेड्स ऑफ स्टेट के साथ में ये तय करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने क्वाड के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उसके साथ हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह सब हमारे साथ हो गए हैं और सब साथ में खड़े हैं। हमें ये जो है, क्योंकि हमारे अभी तक जो पॉलिसी होती थी वो एक बड़ी चीन को ना हम बड़े एक प्यार से जरा बड़ा वो कहते ना अंग्रेजी में कहते हैं किड ग्लव्स के साथ में ट्रीट करते थे, नहीं 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 भाई चीन को नाराज नहीं करना, पर अब जो है अब वो नहीं है, वो अब नहीं है। अब कई चीजें चीन की बैन करनी पड़ेगी, जैसे एप्स की है बहुत अच्छा किया, और भी चीजें बैन करनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमिकली जो है चीन को ये पता लगे कि देखिए हिंदुस्तान के साथ में मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बिल्कुल तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक तो है। राजा साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आखिरी चंद सेकंड हमारे पास है, आखिरी कमेंट आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप चाहते हैं कि बेहतर रिश्ते हों, लोगों में भी एक संदेश अच्छा जाए। देखिए ऐसा है मोहित जी कि आज जो है भारत की सरकार ने चीन को हर तरह से रोक रखा है, चाहे LOC पे हमारे फौजी हो, चाहे जो चीन के उत्पाद, चीन के ऐप जो थे हमने भारत में बंद कर रखा है। उसके बाद डिप्लोमेटिक पॉलिसी की बात जहां रही, देश के अपने भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ, दुनिया के मैक्सिमम मुल्क साथ नजर आ रहे हैं, और आज चीन जो है अकेला खड़ा नजर आता है। चीन कहीं ना कहीं ये विश्वास रख रहा था कि अमेरिका के अंदर नई सरकार का गठन होने जा रहा है, उसको सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा, लेकिन ये भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी ही है कि आज भी अमेरिका की नई सरकार जो है चाइना के ऊपर नरम नजर नहीं आ रही है। आज वहाँ की सरकार अभी भी चाइना को दबाने का प्रयास, चाइना के ऊपर सख्त नजर आ रही है, ये हमारे सख्त नजर आ रही है। यही वजह है कि चीन भी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से बोलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो LAC से लेकर LOC तक हमारे जो जवान हैं लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और दुश्मनों को खदेड़ने में लगे हुए हैं। देखते रहिए NB News, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।